अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। एसपी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने जानकारी दी। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का तंज, कहा कहीं से लड़ लें नहीं जीतेंगे चुनाव। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, कहा अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा वालों को किनारे किया। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, पहले सरकारी संपत्ति पर माफिया कब्जा करते थे, अब माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है सरकार। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का परिवार सपा में शामिल हुआ, सपा की नीतियों से प्रभावित बताया। अखिलेश यादव ने कहा परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी हमारा परिवारवाद खत्म कर रही है, बीजेपी को बधाई दी। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को खत लिखा, गौना के डीएम पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने पांचवी लिस्ट जारी की, बिजनौर से नीरज चौधरी, रामपुर मनिहारन से विवेक कांत को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, 16 महिलाओं को उतारा मैदान में। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी और सयाना सीट से पूनम पंडित को मैदान में उतारा है। अब गोरखपुर सदर सीट पर होगी योगी से चंद्रशेखर आजाद की जंग, योगी की उम्मीदवारी का पहले ही हो चुका है ऐलान। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हुई, कहा लड़ने का हुनर रखते हूं पर कांग्रेस ने लड़ने का मौका नहीं दिया। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान समेत 16 पर केस दर्ज हुआ, प्रतिबंध के बावजूद भारी समर्थकों के साथ कर रहे थे प्रचार। जेवर विधानसभा से आरएलडी एसपी प्रत्याशी अवतार सिंह भराना ने नामांकन लिया वापस, बोले कोविड पॉजिटिव होने की वजह से नहीं लड़ेंगे चुनाव। निर्भया केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का दावा, यूपी पंजाब उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। चुनाव के मद्देनजर एक्शन में यूपी पुलिस, एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 4 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार और सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से मैदान में, 10 मौजूदा विधायकों की टिकट कटी। सितारगंज से सौरभ बहुगुड़ा को टिकट, कांग्रेस से बीजेपी में आई सरिता आर्या नैनीताल से उम्मीदवार। उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी की, 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने सीएम धामी के खिलाफ खटीमा से विजय पाल को बनाया उम्मीदवार, देवप्रयाग से सौरभ भट्ट को टिकट मिली। गोवा के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया, सीएम प्रमोद सावंत सांखली से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। गोवा की पणजी सीट से मौजूदा विधायक को टिकट मिली। उत्पल परिकर के टिकट को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, 2 सीट गई थी ऑफर, पहले से इनकार, दूसरी सीट पर बन सकती है बात। उत्पल परिकर को केजरीवाल का ऑफर, आपकी टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा। उत्पल परिकर के साथ शिवसेना खड़ी, संजय राउत ने कहा अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। गोवा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना का तंज, पता नहीं कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। शिवसेना को कांग्रेस का जवाब, गठबंधन के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, गोवा में कांग्रेस मजबूत और सशक्त। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान संगरूर जिले के धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, राघव चड्ढा ने जानकारी दी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले भगवंत मान, पंजाब में जात पात पर वोट नहीं पड़ता। भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज दिया, कहा अमेरिका के चुनाव की तरह डिबेट कर लें। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से वर्चुअली मिला कांग्रेस डेलीगेशन, सीएम चन्नी और सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए। पंजाब चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट भी आई, 14 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। फगवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गद्दी। पीएम मोदी ने मॉरिशस में भारत के सहयोग से बने सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, सिविल सर्विसेज कॉलेज भी शामिल हुआ। मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर होगा, मेट्रो प्रोजेक्ट में है भारत का सहयोग। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का पीएम ने उद्घाटन किया, कहा दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं। देश का माहौल खराब बताने वालों पर बरसे प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को बदनाम करने की बार बार कोशिश होती है। शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का परीक्षण हुआ, उड़ीसा के बालासोर तट से परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने साब के एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन का चयन किया, टैंक तक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। जर्मनी के नेवी चीफ को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, भारतीय नौसेना प्रमुख से मुलाकात में आपसी सहयोग पर बात हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजपथ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ अब इंडिया गेट पर नहीं, नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी, सेना ने जानकारी दी। चीनी आर्मी के द्वारा अरुणाचल के युवक के अपहरण का मामला, चीनी सेना के संपर्क में भारत, सुरक्षित लौटाने की मांग। अरुणाचल प्रदेश से अपहरण हुए युवक पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हमें कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी का अटैक, पीएम की बुजदिल चुप्पी ही उनका बयान, चीन के कब्जे में है भारत का भाग्य विधाता। राहुल गांधी का ट्वीट, साइबर दुनिया में नफरत फैला रहे हैं हिंदुत्ववादी, इस नफरत का डटकर सामना करना होगा। असम मेघालय सीमा विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम हेमंत बिस्वा और सीएम कोनराड संगमा, दिल्ली में मीटिंग हुई। गृहमंत्री शाह से मिलने के बाद बोले सीएम हेमंत बिस्वा, 26 जनवरी के बाद फिर से अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
बुलीबाय ऐप केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलीबाय ऐप मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बीएचयू ने हिंदू धर्म पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया, देश के किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री एस मुथुसामी का बयान, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर हमारी सरकार का फोकस। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को मिली 198 एम्बुलेंस और 47 मेडिकल केयर यूनिट, स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। हिमाचल के मंडी में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत का मामला, जांच के लिए एसआईटी गठित। राजस्थान में लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नहीं होगी नीलाम, सीएम गहलोत ने निर्देश दिए। 2020 दिल्ली दंगा केस में पहली सजा, तनीष यादव को 5 साल के लिए भेजा गया जेल, एक घर में आग लगाई थी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में लूट के आरोप में 3 ट्रांसजेंडर गिरफ्तार हुए, पुलिस ने 4,500 रुपए भी बरामद किए। बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक कार ने अस्पताल परिसर में लोगों को टक्कर मारी, एक महिला की मौत हुई, 3 घायल। रायपुर में एक गोल्ड स्मगलर गिरफ्तार हुआ, 3 किलो से ज्यादा वजन की सोने की छड़े बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, लश्कर आतंकी जहांगीर नाइक को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को वापस खदेड़ा, सर्च के दौरान हेरोइन के 7 पैकेज भी मिले। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर थाना की पुलिस की कार्रवाई, चेकिंग के दौरान भागते 3 बाइक चोरों को पकड़ा, चोरी की 20 बाइक भी जब्त की। अयोध्या में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है बंद। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 35 साल के कैदी की संदिग्ध मौत हुई, मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई, आगे की जांच जारी। नवी मुंबई में बीसीसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लोगों से ठगी, 1 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मुंबई में फेक डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, बोरीवली से 2 की गिरफ्तारी। केरल में ओमिक्रॉन के 62 नए मामले आए सामने, राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 707 हुई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाजारों में बिक्री पर डीसीजीआई ने नहीं लिया है आखिरी फैसला, हेल्थ सेक्रेटरी ने दी जानकारी। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, कोविड टीके की वजह से कोरोना से कम मौतें हुई, गंभीर रूप से कम लोग बीमार हुए। 15 से 18 आयु वर्ग के 52% बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। एशियाई देशों में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण, पहले से बुरी तरह प्रभावित यूरोपीय देशों में कोरोना केसेस घट रहे हैं। स्टेट्स ऑफ कंसर्न की लिस्ट में दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य, सभी जगह केंद्र की टीमें भेजी गई। देश में करीब 9 महीने बाद कोरोना केस 3 लाख के पार हुए, 24 घंटे में 491 ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। केरल में भी कोरोना के 46,387 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा रिकवर हुए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,561 नए मामले, 24 घंटे में 39 मरीजों ने जान गंवाई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 9,957 केसेस मिले। यूपी में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए केसेस आए, राज्य में 97,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,615 नए केसेस मिले, 24 घंटे में कोरोना से 5 की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केसेस, 43 संक्रमितों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के आए 5,708 नए मामले, 12 संक्रमितों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,992 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 7 ने जान गंवाई। उत्तराखंड में कोरोना के 4,818 नए केसेस आए, 1 दिन में 4 की जान गई। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 300 रुपए तय हुई, रैपिड एंटीजन टेस्ट के देने होंगे 100 रुपए। झारखंड में भी 300 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट के लिए मात्र 50 रुपए देने होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक की, सभी प्रतिबंध 6 फरवरी तक जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ाया, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे 1 से 12 तक के स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए बोइंग 777 की सेवा शुरू की, बोइंग कंपनी की क्लियरेंस के बाद फैसला, 5G की वजह से उड़ान स्थगित की थी। बेल्जियम की 19 साल की पायलट जारा रदरफोर्ड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 155 दिन में भारत सहित 41 देश का दौरा किया। लाहौर के अनारकली बाजार के इलाके में धमाका हुआ, हादसे में 3 लोगों की जान गई, 25 लोग घायल हुए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे टूटा, 1 डॉलर की कीमत 74.51 रुपए रही। सेंसेक्स में 634 अंक की गिरावट दर्ज की गई, निफ्टी भी 181 अंक फिसला। दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे वनडे में भारतीय टीम में हो सकते हैं बड़े बदलाव, भुवनेश्वर और शार्दुल की जगह प्रसिद्ध कृष्णा और दीपक चाहर को मिल सकता है मौका। आईसीसी की 2021 टेस्ट टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और आर अश्विन को मौका। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, अमेरिका की लॉरेन लाम को 21-16, 21-13 से हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।